नमस्कार, तवायर हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ समय में हमने देखा कि भीड़ द्वारा जो मारपीट की जा रही है, भीड़ द्वारा जो हिंसा की जा रही है, इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कहीं किसी को बीफ खाने के नाम पर, कहीं सीट ना देने के लिए, तो कहीं डायन बताकर भीड़ ने लोगों के साथ हिंसा की है। चाहे वो किसी अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या महिलाएँ हों, ये अक्सर भीड़ का निशाना बने हैं। भीड़ द्वारा की जा रही इस हिंसा के विरोध में कारवाई मोहब्बत नाम की एक शुरुआत की जा रही है। कारवाई मोहब्बत का ये कारवां अमन का संदेश लेकर आम जनता के बीच में जाएगा। आम जनता से जाकर ये लोग मिलेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे और ख़ासकर उन लोगों से मिलेंगे जिनके परिवारजन भीड़ द्वारा किसी न किसी तरीके से जिनको नुकसान पहुंचाया गया, या भीड़ की जो हिंसा थी या मॉब लिंचिंग का शिकार हुए ये लोग, उनसे भी मिलेंगे। ये यात्रा क्या है, किस तरीके से होगी, किस तरीके से ये लोग जनता से मिलेंगे, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हर्ष मंदर जी। सर, आपका स्वागत है। हम सर से पूछेंगे, जानेंगे क्या है कारवाई मोहब्बत और क्या है इनका उद्देश्य। सर बताइए, क्या है कारवाई मोहब्बत? देखिए, मैं मान रहा हूँ कि हमारा देश बहुत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है जी। एक अजीब सा डर और खौफ, नफरत का एक वातावरण बढ़ता जा रहा है, एक किस्म का जहर फैलता जा रहा है जो हमारे आत्मा पे बैठने लगा है और बहुत चिंतित कर रहा है मुझे। एक तरफ इसका परिणाम है कि जो अल्पसंख्यक हैं, खास करके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, कुछ दलित समाज के हैं, महिलाएं हैं, इनके ये महसूस कर रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। एक खौफ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। और सांप्रदायिक दंगे पहले होते थे, बहुत बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन सांप्रदायिक दंगे फिर भी एक एक भौगोलिक क्षेत्र और एक वक्त की सीमाओं के अंदर होता है। मॉब लिंचिंग का जो सबसे बड़ा परिणाम यह है कि उस पहचान का व्यक्ति कहीं भी अपने आप को अब सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा है, ना अपने घर पे, ना कोई ट्रेन पे, ना सड़क पर, कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो उस पहचान का व्यक्ति है, उन पे हिंसा हो सकती है, तो उससे एक एक, एक खौफ का वातावरण है। तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़रूरी है कि देश के लोग मिल के अपने इस जो जिस कम्युनिटीज़ पर ये वार हो रहा है, हम उनको कहें कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ, पूरा हम सब साथ आपके साथ खड़े हैं। इसका सामना, इस नफरत और डर का वातावरण का सामना हमें मिल के करना है। लेकिन दूसरी तरफ, जब मैं जहर जो आत्मा पे बैठ रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इससे भी बढ़ के मुझे चिंता किसी और चीज़ की है, वो है हम और आपकी खामोशी। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी में एक खामोशी है, इसमें जो जिस तरह का विरोध होना चाहिए वो हम विरोध नहीं देख रहे हैं। और इसके दो अंतर्राष्ट्रीय तुलना मैं करना चाहता हूँ। एक, जो अब जर्मनी की स्थिति आप देखें, 1930s में जो जर्मनी में जो माहौल बना था, कई पीढ़ियों तक जर्मनी के लोग आज भी सवाल पूछे हैं कि हम चुप क्यों बैठे, हमने इसको होने कैसे दिया। एक नफरत का वातावरण जब बढ़ता गया हमारे समाज में, हम लोग चुप क्यों रहे। तो एक तो ये है, और दूसरी तरफ अमेरिका, जो वर्तमान अमेरिका में अब हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ने जैसे कहा कि 7 मुस्लिम देशों के लोगों के प्रवेश पे प्रतिबंध किया जाता है, एक तरह से वो कह रहे थे कि आप मुस्लिम हैं तो मतलब आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता, अब आपको सिद्ध करना होगा कि आप विश्वास के पात्र हैं, एक तरह के राष्ट्रपति ये घोषणा करते हैं। लेकिन हमने वहाँ देखा कि उनके इस आदेश के कुछ घंटों के ही अंदर बहुत सारे लोग, असाधारण लोग, हर एयरपोर्ट में इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि ये देश सबका है, आप सबको स्वागत है। इनफैक्ट मैंने ऐसे पोस्टर देखे, वी आर ऑल मुस्लिम्स नाउ, हम सब मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान होना अपराध है तो हम अपने आप को मुसलमान घोषित करते हैं। लोग अपने मुस्लिम पड़ोसियों के घरों में गए, उनके दरवाज़ों को खटखटाया और कहा कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। वो मैं देख नहीं रहा हूँ यहाँ, जो मॉब लिंचिंग के जो सॉलिडेरिटी हुई, जो घटनाएं हुई हैं, अब मैं कई 100 घटनाएं हुई हैं
और हम छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक आज भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भीड़ में से निकल के उन्होंने बचाने की कोशिश की। तो बेसिकली जो बाई स्टैंडर्ड है, जब हम देख रहे हैं या तो मौन देख रहे हैं या भड़का रहे हैं या खुद मार रहे हैं या वीडियो ले रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जितना मुझे माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में चिंता है, हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के बारे में भी चिंता है कि हम क्यों नहीं, हमारे दिल में एक इंसानियत के तौर पे मोहब्बत की बात क्यों नहीं उठ रही है। यही है कार्रवाई मोहब्बत शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य है। इसी बीच में जो सवाल मेरे दिमाग में आया वो ये था कि क्यों आपको लगा कि इस तरह की, जैसे आपने बताया कि आप जनता के बीच में जाएंगे, आप लोग एक बहुत बड़ी जर्नी करेंगे जो असम से शुरू होगी और गुजरात तक जाएगी, दो चरणों में यात्राएं होंगी, क्या कारण है कि आपको लगता है कि इस तरह से जो अभियान आप शुरू कर रहे हैं ये कामयाब होगा या इससे कोई फर्क पड़ेगा? अब फर्क पड़ेगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगा कि ये लड़ाई जो असली लड़ाई है ये राजनीतिक दलों की ही लड़ाई नहीं है। मुझे नहीं लग, कोई बहुत आशा नहीं है कि जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं वो उस सच्चाई से इस माहौल के खिलाफ लड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये लड़ाई तो हम आम लोगों को ही लड़ना होगा और हमारे अपने ये दिलो दिमाग की लड़ाई है। ये जो ऑलमोस्ट एक दूसरा आज़ादी की लड़ाई है और मैं इस ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम इस लड़ाई में जीतेंगे नहीं तो ये देश ही टूट जाएगा। और टूटने मतलब अगर हमारे एक नया पार्टीशन हमारे दिलो दिमाग में जो बन रहा है तो एक तो एक पार्टीशन हो गया जहाँ लकीर देश खींच दी गई, पर अगर हर दिल और दिमाग में एक लकीर खींच जाए तो वो क्या देश रहेगा? हम साथ भी रहें तो क्या मज़ा है उसमें? जिस तरीके की हम देश की एकता अखंडता और इस तरीके की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं वो तो फिर कहीं नहीं रह जाएगी। और एक अंग्रेजी में शब्द है मेरे लिए रेडिकल लव, मतलब लव मोहब्बत की बात को एक राजनीतिक मतलब एक क्रांतिकारी राजनीतिक सोच के तौर पे क्या हम, क्योंकि नफरत के की राजनीति से लड़ने का तरीका और नफरत नहीं है। अंधेरे से आप लड़ेंगे अंधेरे के साथ और अंधेरा होगा। अगर आप अंधेरे से लड़ रहे हैं तो किसी तरह की एक छोटा सा चिराग भी हो तो आप देखिए अंधेरे में क्या होता है। बहुत मशहूर उक्ति है, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, एक आंख के बदले आंख से पूरा जहां अंधा हो जाता है। तो यही है आपकी फिलॉसफी, मैंने आपका जो ये आपने हमें दिया है इसमें कई जगह गांधी जी का जिक्र है, गांधी जी का जो शांति का संदेश था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कहां से कार्रवाई मोहब्बत जो है वो गांधी जी से क्यों इतना प्रभावित है? एक्चुअली दो हमारे बड़े नेताओं का से ये प्रेरित है। एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर की कि हम लोग भूल जाते हैं, जब संविधान लिखा था उन्होंने एक्चुअली जो उसका जो प्रियम्बल है उसमें लिखते हैं इंसाफ, आज़ादी, समानता और जो चौथी बात है वो बंधुता का है, फ्रेटर्निटी। मुझे लगता है कि हम पहले तीन को फिर भी समझ लेते हैं लेकिन बंधुता क्यों इतना ज़रूरी है? बंधुता का क्या मतलब है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं? हम देखिए मुझे क्यों चिंता हो अगर पहलू खान मारा गया है या जुनेद मारा गया है। मैंने जुनेद के मरने के बाद उनके परिवार से मैं मिलने गया था और उसके बाद मैंने एक लेख लिखा कि जुनेद मेरा बेटा था। जुनेद को जब वो जीवित था मैं जानता नहीं था, उसकी ज़िंदगी मेरे से, उसके सपने मेरे से बहुत अलग थे, लेकिन जिस परिस्थिति में उसको मारा गया एक तरह से मैं महसूस कर रहा हूँ मैंने अपना बेटा खोया है और वही उसी का अर्थ है बंधुता। तो मुझे लगता है कि एक तरफ मैं डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रहा हूँ यात्रा के दौरान और बंधुता की भावना, इसलिए हम लोग महू में जा रहे हैं जो उनका जन्म स्थान है। और दूसरा जो डॉक्टर जो गांधी जी की बात कर रहा हूँ, मैं गांधी को आज एक अजीब तरीके से आरएसएस जैसे संगठन
एक नया गांधी जिसको हम पहचानते भी नहीं। गांधी एक सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं थे, गांधी का एक बहुत रेडिकल पॉलिटिक्स था, एक राजनीति थी जिसका केंद्र में मोहब्बत की बात थी। और मैं सिर्फ क्योंकि आपने से उम्र में बहुत छोटी हैं, मैं भी उनके वक्त में ज़िंदा नहीं था, 1955 में मैं पैदा हुआ। लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, मेरा अपने परिवार पार्टीशन से प्रभावित था। आप समझें कि 1947 में 10 लाख लोग मारे गए हिंदू मुस्लिम फसाद में, 10 लाख लोग, देश टूट गया, 1.5 करोड़ लोग लगभग घर से बेघर हुए। इस सब के बीच में भी गांधी जी ने कहा नहीं, फिर भी मैं मोहब्बत की ही बात करूँगा। और उस वक्त पे उस हिम्मत से मोहब्बत की बात करना और उस जगह जाना जहाँ पे सबसे ज़्यादा नफरत था, और उस जहाँ नाव खोली गए और अकेले वहाँ पैदल चले और मोहब्बत की बात की, मुझे लगता है कि हमारा जो कारवां ये मोहब्बत है वो एक टाइनी, उसका बहुत छोटा सा एक ट्रिब्यूट है कि आज के वातावरण में मोहब्बत की बात करना एक अजीब सा वातावरण है कि बहुत क्रांतिकारी हो गया है कि हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो वही क्रांतिकारी भावना जो गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सिखाया था, उसके उसको समर्पित है ये यात्रा। जहाँ तक जो हिंसा हो रही है, ये हिंसा बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, क्या वजह आपको लगती है कि क्या वजह है इस तरह का माहौल बन रहा है कि जहाँ शक के बिना पर, या अभी हम वीडियोस देखते हैं तो चोटी कटने की अफवाह में एक बिल्ली के ऊपर लोग बिल्ली को मार रहे हैं, मतलब इतनी हिंसा हमारे अंदर आ चुकी है कि हम जानवर इंसान किसी में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, हम उसी तरह से जानवर पर अपना जो जो उसे मैं कुंठा का नाम भी अगर दूं तो गलत नहीं होगा, वो कुंठा है, हम किसी महिला को डायन होने के शक में पीट पीट कर मार देते हैं बूढ़ी महिला को, क्या वजह है इस तरह का माहौल तैयार होने की? मुझे लगता है कि और सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली पूरे विश्व में जो डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नेता हैं पूरी दुनिया में, हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में, अमेरिका में और यूरोपीय कई देश में ऐसे हम नेता चुन रहे हैं जिनमें कुछ खासियत है। और एक खासियत है कि मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि उनका चुना जाना ही एक बहुत बिखरा बटा हुआ समाज और देश का प्रतीक है। लेकिन एक किस्म का नेता वो होता है कि जब हम बटे हुए हैं वो दूरियों को कम करने की को बांटने की कोशिश करें। ये ऐसे नेता हैं जो इन दूरियों को और गहरा करने का और बड़ा करने का, कि आप उसको पार ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नेतृत्व हम सबको मिल रहा है। और इस तरह के नेताओं का एक और खासियत है कि उनकी जो राजनीति है वो ये है कि हमारे दिलों में पहले से भी नफरत हो रही होगी मुसलमान के खिलाफ या क्रिश्चियन के खिलाफ या दलित के खिलाफ या महिला के खिलाफ, या ये नफरत थी, लेकिन हम लोग फिर भी अपने आप को मतलब सामाजिक बंधनों से बंधे हुए मान रहे थे कि हम इसको खुल के अपनी नफरत या अपनी जो प्रेजुडिस है हम दिखाने जाहिर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया है जहाँ पे आप जायज़ समझते हैं इस तरह की भावना, इसको वैधता दे दी गई है। और हम जैसे लोग, जैसे मैं इसलिए मैंने कहा कि मोहब्बत एक रेडिकल आइडिया हो गई है कि हम जैसे लोग अब हाशिए में आ गए हैं, और जो जो अपने आप नफरत और हिंसा पर जिन जो यकीन करते हैं, भेदभाव पे यकीन करते हैं, वो केंद्र में आ गए हैं, उनकी विचारधारा एक तरह से मेनस्ट्रीम विचारधारा बन गई है, और जो मोहब्बत और समानता की जो विचारधाराएं हैं वो हाशिए साइडलाइन हो गई हैं। इस वातावरण में ऐसा नहीं है कि ये जो नए नेता हैं और जो नई राजनीति है नफ़रत को कुछ हद तक पैदा भी कर रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस नफ़रत को एक इजाज़त दे रही है और वैधता दे रही है जो आप कह रहे हैं, वो वही कारण है मुझे लगता है। और ऐसा समाज क्या हम ऐसा देश चाहते हैं जहाँ पे, चलिए मैं मुसलमान नहीं हूँ पर आपको अच्छा लगता है कि आज
मैं देश भर में लोग बताते हैं कि माता पिता घबरा रहे हैं अपना बच्चा दाढ़ी लेके ना निकले, कोई कोई आपका नाम नहीं पता चले, कोई हिजाब पहन के बाहर नहीं निकले। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे देश हो, ऐसे डर के माहौल में जी। हमारे ही भाई और बहन को जीना पड़े? जी। मैं 80s में याद है दिल्ली में ऐसा वक्त थोड़ा वक्त ऐसा हुआ था जहाँ सरदार होना डर का वातावरण था, लोग डरते थे 84 के बाद निकलना पगड़ी के साथ दाढ़ी के साथ। उस वक्त भी बहुत शर्मिंदा हम हुए कि ये कैसा हमारा देश है जहाँ लोग अपने हमारा एक 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 वादा हम लोग वी द पीपल ने जब एक संविधान अपने आप को दिया था, हमने वादा किया था कि हमारा देश ऐसा, हम एक हिंदू पाकिस्तान नहीं बना रहे हैं, हमारा ऐसा देश है जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस भगवान को माने, किस अल्लाह को माने, आप ना माने, आप इस जाति आम जिंदगी पे नहीं, आपके आपकी ज़िंदगी के संभावनाओं पर नहीं, आप सर ऊंचा रख के आप अपने अपने हिसाब से कपड़ा पहन सकते हैं, अपने हिसाब से इबादत कर सकते हैं, अपने हिसाब से खाना क्या खाना है, किससे दोस्ती करनी, किससे मोहब्बत करना है, इस कहाँ आप अपना घर बनाना है, इस ये सब में ये फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका आपकी आपकी आपका मज़हब या आपका आप औरत हैं या मर्द हैं या बीच के हैं कहीं, ये सब फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जाति का फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग एक बिल्कुल नया हिंदुस्तान को देख रहे हैं जहाँ पे नफ़रत और बटा हुआ समाज आम बन रहा है। ये मुझे नफरत को नफरत से ही मिटाने की कोशिश जो है यही इस माहौल को और ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक नई राजनीति जो 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 हमें राजनीतिक दलों में नहीं दिख रहा है, जो मुझे लगता है कि आज का ओपोजिशन संसद के अंदर नहीं है, संसद के बाहर ही बनना पड़ेगा, और शायद एक नई राजनीतिक भाषा जिसमें हम समानता की बात करें और मोहब्बत की बात वो करें हमें करनी होगी। हम बात लगातार समाज की कर रहे हैं, हम इस तरह के अभियान चलाते हैं, जैसे कुछ दिनों पहले जब जुनैद की हत्या हुई थी उसके बाद नॉट इन माई नेम आया था और उसको पूरे देश में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तमाम कई शहरों के लोग जो थे वो निकल कर आए, उन्होंने रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, उनका क्या बिलीव है, वो किस धर्म से हैं, जाति से हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, इससे कोई फर्क नहीं था, पर वो सब हिंसा नहीं चाहते थे। यहाँ जंतर मंतर पर हम लोग गए थे, हमने देखा छोटे छोटे स्कूली बच्चे आए थे और उनका कहना था कि हमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहिए किसी भी धर्म के लिए। तो ये जो छोटे छोटे अभियान होते हैं जब हम जाकर आम जनता से जुड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मेजॉरिटी है जो नहीं चाहती है ये हिंसा, पर फिर भी ये हिंसा हो रही है, ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, लगातार सुर्खियां हम देखते हैं अखबारों में। समाज अपने स्तर पर कैसे कोई ऐसा परिवर्तन ला सकता है, अगर समाज चाहे तो ऐसे कोई सुधार, इसकी शुरुआत समाज के अंदर से कैसे होगी? मुझे लगता है ऐसे पहले भी कह रहा था, ये लड़ाई तो समाज में ही लड़नी पड़ेगी। मैं मुख्यतः राजनीतिक दल हमारे पीछे आएंगे, हमें नेतृत्व नहीं देंगे। और नॉट इन माई नेम एक इतना अच्छा वक्त था क्योंकि ये पहली इस तरह की कोशिश की, और एक किसी ने एक फेसबुक पोस्ट रखा और उसको ले के किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पहले दिल्ली में फैला पे और शहरों में गया। मैं भी उस दिन उपस्थित था और इतना अच्छा लगा कि लोग एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे। और ये कारवां मोहब्बत का भी मैं देख रहा हूँ क्योंकि देश भर में इसका कॉल है। थोड़े से दिनों में लगभग 20 दिन पहले तो मैंने इसकी पहले कल्पना की, हम फिर कुछ सोचा, फिर कुछ लिखे, फिर एक आर्टिकल लिखा, फिर कुछ और किया, थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जितना रिस्पॉन्स, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में लोग शायद ढूंढ भी रहे हैं कोई जगह, कोई मंच हो जहाँ पे अपनी आवाज़ रख सके। लेकिन फिर भी जब अमरीका में मैं देख रहा हूँ, अमरीका में लोग ने खुद अपने मंच बनाए और हर आप वहाँ के एक्टर्स देखिए, हॉलीवुड के एक्टर्स देखिए, हर अवार्ड शो में उन्होंने इसका विरोध जिक्र किया, विरोध किया। हम अब कहीं भी नहीं देख रहे हैं नौजवान वकील वहाँ, जैसे ये बैन ऑर्डर आया था मुसलमानों के खिलाफ, हर एयरपोर्ट में उन्होंने अपना लीगल एड सेल्स खोल दिए। इस तरह का मुझे लगता है कि फिर से कहीं हमारे समाज में वो जो फ्रीडम स्ट्रगल की बात, इसलिए मैं आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं थी, लड़ाई ये भी थी कि किस तरह का हमारा हिंदुस्तान होगा जब हम आज़ाद होंगे, और उसमें बहुत लोग शामिल थे। और ऐसे वक्त में जब मुस्लिम पाकिस्तान बना मज़हब के आधार पे, उस वक्त मुसलमानों के सामने एक एक सवाल था कि आप मुस्लिम पाकिस्तान चाहते हैं या एक सेक्युलर हिंदुस्तान, जो गांधी जी जिन्होंने उसका वादा किया था। और बहुत संख्या में दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं जिन्होंने इसको स्वीकार किया। और मुझे लगता है कि उस वादा को आज फिर से याद करना होगा, और वही दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल, दिलो दिमाग में कहाँ ये नफ़रत छिपी हुई थी। और जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात करें, मैं एक और कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि कई बार हम कहते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी में हैं, क्रिश्चियंस बहुत छोटी माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी में, मैं कह रहा हूँ कि मैं कई बार अपने मुस्लिम दोस्तों से कहता हूँ कि आप माइनॉरिटी में नहीं हैं, क्योंकि लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच में था ही नहीं। अगर हम हिंदू मुसलमान के बीच में मानते हैं तो आप माइनॉरिटी में हैं, लेकिन लड़ाई अगर उन लोगों के बीच में है जो जो मज़हब का इस्तेमाल नफ़रत के लिए करते हैं और जो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मोहब्बत पर यकीन करते हैं, मेरा अभी भी यकीन है कि हम दूसरे कैटेगरी के हैं और हम मेजॉरिटी में हैं, तो हम मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं। लेकिन ये मेजॉरिटी कम्युनिटी जो मोहब्बत पर यकीन करती है, क्यों इतनी मतलब मायूस, खामोश, शिथिल, सामने आकर बिल्कुल करने की ज़रूरत है, और वो तोड़ने की ज़रूरत है जो हम नफ़रत के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल वो वही चुप्पी तोड़ने के ये अलग अलग तरीके हैं, और इसलिए ये कारवां भी निकाल रहे हैं। कारवां की प्लानिंग क्या है, कैसे आम जनता इससे जुड़ सकती है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, कारवां की शुरुआत हम लोग असम से 4 सितंबर को कर रहे हैं। पहले तो 3 प्रदेशों में जाएगा जहाँ पे प्रदेश के अंदर ही यात्रा होगी, असम, झारखंड और कर्नाटका, क्योंकि यहाँ पे भी लिंचिंग की बहुत घटनाएं हुई हैं। फिर हम लोग एक बार दोबारा इकट्ठा होंगे दिल्ली में, हम तिलक विहार जहाँ विडोज कॉलोनी बनी थी 84 के, वहाँ से हम दूसरे दौर को शुरुआत करेंगे, और यहाँ से हम पश्चिम उत्तर प्रदेश, शामली और मुजफ्फरनगर जाएंगे, फिर हरियाणा में मेवात में जाएंगे, वहाँ से हम अलवर से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेंगे, दो 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 तीन दिन राजस्थान में लिंचिंग के फैमिलीज़ को मिलते हुए, फिर हम गुजरात में जाएंगे, वहाँ भी कुछ परिवारों से मिल के, और फाइनली इस दौर को समाप्त हम महू, जहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म स्थान था मध्य प्रदेश में, वहाँ समाप्त करेंगे। फिर त्यौहार बीच में आने हैं जो नवरात्रि और उसमें हम रोक लगा के, और फाइनली 2 अक्टूबर में एक कॉल दे रहे हैं कि देश भर से लोग पोरबंदर आएँ, और वही जो गांधी जी जिनका रेडिकल लव, जो नाव खोली की जो हिम्मत के साथ जो उन्होंने मोहब्बत की बात की, उसको याद करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम पोरबंदर जाएँ। ये 3 हिस्से हैं यात्रा का। जहाँ तक दोस्तों का जुड़ना, कई तरीक़ों से जुड़ने की बात है, हम लोगों ने एक फ़ंड रेजिंग का कॉल किया है, हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग शामिल नहीं हो पाए, हालांकि जब हम हर प्रदेश में शामिल होंगे, हम चाहते हैं कि लोग अपने अपने साधनों से जुड़ें, एक कारवां का स्वरूप है, तो हमारी बस जाएगी और भी लोग इस कारवां में जुड़ें, शामिल हों। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि और एक और जुड़ने का, हम कुछ लेखक और जो संगीत और लेखन और वीडियोग्राफी से जो जो हालात हैं, जो नफ़रत और डर के हालात हैं और जो मोहब्बत की कोशिश हैं, इसको बताने की, कहानी बताने की में भी कुछ लेखक वगैरह शामिल हो रहे हैं। वायर से भी हमने कुछ साथियों को आमंत्रित किया है जो शामिल होंगे। और फाइनली हम सोच रहे हैं कि इसके सबसे बड़ा, क्योंकि यात्रा तो 1 महीने के लिए चलेगा, लेकिन इन जगहों में हम लोग संकल्प करें कि हम लोगों को जोड़ने का एक अमन सभा, हम अमन समिति बनाने की बात, अमन इंसानियत समिति, इन सभी जगहों में हम हिंदू, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन, आदिवासी सब लोगों का, तो उस अमन इंसानियत समितियों का हिस्सा हम बने, वो सबसे बड़ा शामिल होने का तरीका रहेगा। कारवाएँ मोहब्बत का जो है एक फेसबुक पेज भी है, आप जाकर वहाँ जुड़ सकते हैं, उससे वेबसाइट भी खुल रहा है। आपने से बात की मुजफ्फरनगर जाने की, एक खास
तबके का मानना है कि 2014 में जब से सरकार बदली है तब से लिंचिंग की घटनाएं आम हो गई हैं, इस तरह की नफरत जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप क्या मानते हैं कि क्या मुजफ्फरनगर का जब मसला हुआ था तब सरकार दूसरी थी, एक और सरकार है जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो नफरत फैला रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सरकारों के बदलने से नफरत का जो इक्वेशन है वो जनरल जो आम जनता है, जनरल पब्लिक है, उसके दिमाग में बदलता रहता है, या कहीं ना कहीं जो इनके राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, जो इनके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करते रहते हैं? आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, पहले मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के तहत हुआ, देश के बहुत सारे बड़े दंगे, 84 के दंगे और आसाम में नेली का जो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, ये कांग्रेस सरकारों के तहत रहे हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक दल इस देश में नहीं है जिसके हाथ इस सांप्रदायिक हिंसा के खून से रंगे नहीं हैं। ये बिल्कुल सही है, और इसलिए मैं कह रहा था ये असली लड़ाई तो राजनीतिक दल में वो नैतिक, वो नावखोली वाले गांधी की नैतिक साहस मैं किसी भी राजनीतिक दल में आज नहीं देख रहा। थोड़ा बहुत लेफ्ट में है लेकिन वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो एक नफरत को एक इजाज़त राजनीतिक तौर पे जो मिला है वो एक नया सिलसिला है। और आंकड़ों में थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्यों हम वर्तमान सरकार को विशेष तौर पे इसमें ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। इंडिया स्पेंड एक ग्रुप है, इन्होंने रिपोर्टेड गाय से संबंधित घटनाएं जो हुई, हिंसा लिंचिंग की घटनाएं हुई 2010 से आज तक का निकाला है, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं। एक तो उन्होंने बताया कि 2010 और अब के बीच के 97% हिंदी में 97% घटनाएं मोदी जी के सरकार के आने के बाद हुए हैं। तो पहले तो ये कि सिर्फ 3% 2010 और 14 के बीच में और 97% उसके बाद। दूसरा जो बहुत बड़ा आंकड़ा उसमें से निकला कि 86% घटनाओं में मुसलमान मारे गए और 8% दलित मारे गए, तो वो हुआ 94%। तो बच्चे 6% भी उनमें कुछ में आइडेंटिटी अननोन है, मतलब कुछ उनमें भी पता नहीं चल पाया। तो ये बहुत क्लियर है कि लिंचिंग एक वर्तमान सरकार के दौरान हुआ है और उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम और दलित मारे गए हैं। और इसलिए हमें खुल के इस बात को कहना होगा कि एक राजनीतिक वातावरण बना है जिसने इजाज़त दी है इस तरह का नफरत का वातावरण बनाने का। लेकिन ये भी क्लियर है कि कोई भी राजनीतिक दल का दामन साफ नहीं है और हम सबको अलग अलग तरीकों से इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कारवाई मोहब्बत के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।